बेन, रिलेटेड मम्मी बेन, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, मेरे सना जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक रजनीकांत, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जी। दादा भगवान ने ऐसा बताया है कि मान नहीं होता ना तो यहीं पे मोक्ष होता। तो ये अहंकार है, वो भी मान के साथ ही अहंकार का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है, मतलब वो भी इतना ही रोल प्ले कर रहा है। यह बात क्या समझने की है कि मान की वैल्यू कितनी है? देखिए, जो मान नाम का बेटा है वो मर गया, बाकी का सारा संसार अस्त हो गया। अभी दूसरी तरह से बात समझो कि मान है, वहां तक तो उसकी बेगिंग रहती है कि नहीं रहती है? भिखारी पना रहता है कि नहीं रहता हाँ, रहता है। है? मुझे लोग मान दे, मेरे इसी तरह से बात करे, ज्यादा रिस्पेक्ट दे, ये सब अपेक्षा भी रहती है ना। देखिए, हाँ, यहाँ ये अपेक्षा रहती है, साथ में क्या रहता है कि अपमान का डर भी रहता है साथ में। रहता है। हाँ, बात ख्याल में रही, क्यों होती है? ये द्वंद्व गुण है, ड्यूअलिटी वाली क्वालिटी है। देखिए, यहाँ दादा भगवान ने अपने हमको दोनों चीज से परे कर दिया है, पर कर दिया है, ऊपर उठा लिया है। देखिए, क्रोध मान माया लोभ है वो किसके भाग ओके। में है? मीनस के भाग में, मेरे भाग में नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हाँ, हूँ। हमें हमें बराबर। हमारे लिए क्या हुआ फिर? तो के क्रोध मान माया लोभ या जो भी संजोग आते हैं वो संजोग के रूप में है, वो जो पिछला भरा हुआ माल है वो माल खाली हो रहा रूप में। हाँ, है। तो जो माल बताइए। खाली हो रहा है उसका आनंद होना चाहिए, दुख होना चाहिए? देखिए, आनंद रहती है। यहाँ साथ में फोकस हमारी फाइल नंबर 1 पर है, तो एक मान कितना है, कितना ऊपर गया, नीचे हुआ, क्या हुआ, वो सारी बात भी हमें ख्याल में आएगी कि नहीं आएगी? आगे। तो जितना दिखाई देगा, तो दिखाई कब देगा कि आप उससे अलग रहेंगे तभी, तभी हाँ। और आप अलग रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पक्ष छूटता जाएगा कि नहीं छूटता जाएगा? छूटा या जाएगा। दूसरी तरह से बोलो तो भिखारी पना दिखाई देगा, आगे भिखारी पना बढ़ाना है, ऐसा रहेगा? नहीं, वैसा नहीं रहेगा। ये तो कैसा है कि मान पाने के लिए कई बार हमें झुकना भी पड़ता है, तो वीकनेस है ना। तो हाँ, मान पाने के लिए क्रोध भी करेंगे हम, बराबर। मान का रक्षण करने के लिए क्रोध भी करेंगे। रोग ग्रोथ भी करेंगे, करेक्ट, रोग बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? देखिए, बढ़ेगा। आज इसीलिए बता कि जहां तक मान जिंदा है वहां तक सारा सारे सारे दुश्मन से क्रोध मान मालो सब सजीवन हो सकते हैं, जीवंत हो सकते हैं। बराबर। इसलिए ज्यादा गौर करने का होता है। देखिए, यार हमें क्या, देखिए हमारा फोकस फाइल नंबर 1 पर रहेगा तो ये सारी बातें दिखती रहेगी। और दूसरा क्या, देखिए हमारा खुद का व्यवहार, फाइल नंबर 1 का व्यवहार, फाइल नंबर 1 को खुद को ही चुपता रहेगा तो फिर कोई दिक्कत बराबर। आएगी तो कुछ बोलने का रहेगा नहीं ना। देखिए, हाँ, सही बात है। हमें दूसरा भी दिखाई देगा कि भी ये मान की अपेक्षा है, उसके कारण आज तक भिखारी पना बढ़ता गया था, कोई प्रकार की लाचारी नहीं का? लाचारी है, बराबर। अभी वो लाचारी ऐसा समझ में आया तो फिर वो लाचारी दूसरी बार खड़ी करने की इच्छा होगी? देखिए, हाँ, नहीं होगी। यहां इतना समझ में आया तो बहुत हो गया।
या मान के लिए आप उसके पक्ष में नहीं है मान पाने के, तो धीरे धीरे क्रोध का पक्ष भी छूट जाएगा बराबर। मान के पक्ष में नहीं है तो अपमान का भय भी नहीं रहेगा। हाँ, अपमान का भय भी नहीं रहेगा बराबर। तो फिर कौन सी चीज का भय रहेगा? हाँ, कुछ रहा ही नहीं फिर तो। क्योंकि सभी प्रकार का भिखारीपना डे बाय डे कम होता जाएगा बराबर। जरूरत कितनी है तो फोकस फाइल नंबर एक पे रहना चाहिए। फोकस फाइल नंबर एक पर है तो वहां उसकी सारी कमजोरियां गलतियां हमें दिखाई देगी। तो जितनी दिखाई देगी उतनी रिपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। रमेश फाइल नंबर एक के पास रिपेयर करवाएंगे ना? करवाएंगे। हाँ, अमी के पास करवाएंगे। दूसरा क्या था कि यहाँ फाइल नंबर एक से बातचीत करने के भी आपको प्योर होना है, शुद्ध होना है, तो ये शुद्ध होने का रास्ता क्या है? देखिए, ये सारी कमजोरी का पक्ष छोड़ दो, कमजोरी के पक्ष में जो अभिप्राय पड़े थे, पूर्वग्रह पड़े थे, वो सबको धो डालो आप अतिक्रमण करके, तो आप मुक्त हो जाएंगे। बराबर है, इतना आसान रास्ता हो गया। हाँ, आसान है बराबर। इतना ही समझ लेने का बराबर। तो ये जो भोगवटा, जो आज का जो ये कर्म फल है, ये पूरा मान के कषाय से खड़ा हुआ है ऐसा? आपका आवाज थोड़ा कट गया। ये जो आज आज जो हमें जो भोगवटा जो ये आ रहा है, वो सब मान के कषाय से ही, मूल मान का कषाय है उसके बीच में, वो कहना चाह रहे आप? मान कसाई तो सबसे सबसे लास्ट में मान कसाई जाता है। अच्छा, तो मान कसाई के पक्ष में तो बहुत सारी बार बैठे हैं। हाँ बराबर। अभी क्या हुआ था कि अभी मैं सुधा में मान हुआ था, वो ये क्रोध मान मान लोग सबसे हम अलग हो गए, मन वचन का से अलग हो गए, नाम और नाम की माया से अलग हो गए। मन वचन काय में जो भी हो रहा है वो वीनस के भाग में हो रहा है, मेरे भाग में नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। बराबर है। और ये जागृति है, फोकस है फाइल नंबर एक पे, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ है फिर? बराबर है। हाँ, नहीं, फिर भरा हुआ माल जो भी निकलता है वो इसका निकलता है, मेरा नहीं। हाँ, सही है। देखिए, अलग रहा तो हमें असर कितनी होगी? नहीं होगी। गीता ही समझने का। हाँ, तो मतलब दादा ने बताया कि मान नहीं होता तो यहीं पे मोक्ष होता, तो हमें तो दादा ने मतलब मोक्ष यहीं पे दे दिया है और मान को भी हमसे दूर कर दिया है। यहाँ मान नहीं होता तो मोक्ष यहाँ ही हो जाता। मीन्स क्या, मान की वजह से भिखारीपना कितना बढ़ गया हमारा। हाँ, भिखारी पना चला गया तो मान के भीख रहेगी नहीं ना? नहीं रहेगी बराबर। वो भिखारी पना किसके लिए? अविनाशी के लिए कि विनाशी का? नहीं, विनाशी का। ये जो चीज रहने वाली नहीं हमारे पास, उसके लिए भिखारी पना करना, ऐसा कैसा? ऐसी हमारी कैसी समझ? बुद्धिशाली तो किसको बोलते हैं? कि जो कायम का उसको पकड़ के बैठे। सही है। तो बिना से उसको पकड़ के फायदा क्या मिलेगा, कमाई क्या होगी उसका? हाँ, वो तो टेम्पररी है, राइट? यहाँ हमारी बुद्धि भी कैसे हमें ख्याल में आता है ना? हाँ, तो उसको कीमत किसकी है, विनाशी की या अविनाशी की कीमत है? बुद्धि को विनाशी की कीमत है। वहां हमें बातचीत करके उसको समझाना चाहिए ना, कोई कीमत किसकी करनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? आप आंसर करो ऐसा उसके पास जवाब लेने का है हमें। हाँ, ठीक है। वो खुद ही बोले कि नहीं, भी आज तक मैंने विनाश की कीमत करवाई थी, की थी, और ये मेरी गलती थी। अभी आज से मैं विनाश की कीमत नहीं करूंगा, अविनाश की कीमत करूंगा। ठीक है, ऐसा
उसके बाद सिग्नेचर हो गई तो फिर वो आगे आपको परेशानी बंद हो जाएगी। अंतस्करण के चारों पार्ट मन बुद्धि जी वो चारों की सिग्नेचर आ गई। हाँ। अभी मुझे अविनाशी चाहिए, अविनाशी सुख ही चाहिए, विनाशी सुख चाहिए नहीं मुझे, जो आकर चला जाता है ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। आने के बाद जाए नहीं कभी, ऐसा सुख चाहिए मुझे। बराबर। तो मान देते हैं तब सुख लगता है, अपमान करता है दुख लगता है, तो फायदा क्या हुआ? हाँ। ऐसा भीतर बात करने का ना, मान देते हैं बहुत अच्छा लगता है आपको, पहली लाइन में बिठा देना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। फिर दूसरे मेहमान आएंगे बोलेंगे भाई धीरे धीरे भाई साइड वाली चेयर में जाओ, थोड़े एक और हटो, हाँ। थोड़े एक और हटो, तो लास्ट में वो चेयर ही चली जाएगी, कितना अच्छा लगेगा उस टाइम। तो शादी में गए और आपको आपकी चेयर ही चली जाए तो कितना अच्छा लगेगा, खाना कितना पसंद आएगा। तो 5-4 रुपए की डिश है तो भी खाने की मजा नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी। पान का रोग है ये हमें समझ में आता है। हाँ, हाँ। रोग चला गया तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नहीं पहली लाइन है कि लास्ट लाइन है क्या फर्क पड़ता है, बैठने के लिए चेयर तो मिली ना। तो दादा भगवान कितने पक्के थे, उन्होंने क्या बताया कि संसार क्या है, रेस कोर्स है, रेस कोर्स है। हाँ। रेस कोर्स है ऐसा हम पहले से ही समझ गए, इसलिए क्या करते थे, लोग दौड़ना शुरू करते हैं तभी उनके हम भी उनके साथ थोड़ा दौड़ते थे, तो थोड़ा आगे जाके फिर हम धीरे से सफर हो जाते थे। लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भी हमारे जैसे नहीं है, बराबर। फिर धीरे से हम साइड पर हो जाते थे, पूरे स्पोर्ट्स में से बाहर निकल जाते थे, हमारा समय बर्बाद नहीं करते थे, एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे, बराबर। वैसे याद ये क्रोध मान मालूम जो कसा है वो हमारी सारी एनर्जी खा जाते हैं, खा जाते हैं, बराबर है। हाँ, राइट। उनके साथ कितनी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, उनके प्रति कितना लगाव रखना चाहिए, वो बात ख्याल में आनी चाहिए। हाँ, हाँ, हमारा हाँ, जो आत्मा ऐश्वर्य, आत्मा ऐश्वर्य खुला क्यों होने हो नहीं रहा है, इतने सारी वीकनेसेस की वजह से, कमजोरिया की वजह से, वो कमजोरियों का पक्ष छूट गया तो ईश्वर खुला होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बराबर। पक्ष छूटना, हाँ, पक्ष छूटेगा तो ईश्वर्य। हाँ, और वो बीच में ऐसे ही आया था, निमेश आनंद जी ने भी कहा कि ये पूरी जागृति एक कषाय हमारी खा जाती है। हाँ, ये आपने अभी एक तरह से लगता है कि मैं जागृत हूँ और दूसरी ओर ये कसा ही आपकी जागृति को खा जाते हैं, आपको जबकि लगवा देते हैं वो कहाँ पता चलता है, मार खिलाते हुए कहाँ पता चलता है। हाँ। अल्टीमेटली देखो तो मार ही खानी पड़ती थी ना, आज तक जहां जहां क्रोध मान मायलोभ का सोता वहां केवल मार ही खाई है, कुछ कमाई किया है नहीं, नहीं, मार ही खाई है। मार खाने के बाद तारण निकाला, अगर मार खाने के बाद तारण निकला होता तो दोबारा मार नहीं खाते थे, अनंत अवतार से संसार में मार खा रहे हैं, ये सारी कमजोरिया की वजह से, कमजोरियों का पक्ष लेने की वजह से। ये बात ख्याल में आ जाए तो कौन सी वीकनेस की आप अभी पक्ष लेंगे हम, बात ख्याल में आ रही है, तो फिर कोई भी वीकनेस का पक्ष लेने का रहा नहीं ना। अम्मी बहन अम्मी बहन में गीता बहन सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी साहब, दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, बुक नंबर 53, पानू नंबर 22,
तारीख 15/3/79 नीचे पेज 10 of 44 ऊपर थी चौथो पैराग्राफ स्टार्टिंग से ध्याता मा अहंकार होय ऊपर थी चौथो पैराग्राफ बोलू हूँ साहेब बोलता जाओ मिनीसान साहेब जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે ધ્યાતામાં અહંકાર હોય ધ્યેય નક્કી કરે તેમાંય પણ અહંકાર હોય પણ તેના પરિણામે જે ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય તેમાં અહંકાર ના હોય ધ્યાનનો કરતા ના હોય અહંકાર જ્યારે દબાય ત્યારે ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય આ જરા સમજાવો ને આ સાહેબજી लिया दादा भगवान बताना क्या चाहते हैं कि ध्याता अहंकार हो ध्याता ध्याता कौन है गीता बेन पोते बराबर है हाँ जी अभी यह बात समझने की क्या है ये सारी क्रिया है आप गीता में होके कर रहे हैं हाँ जी तो आप ध्यान करने वाले हो गए बराबर है अभी अहंकार के आधार पर जो भी क्रिया करते हैं वहां नई जिम्मेदारी खड़ी होती है हाँ यार जो ध्याता है वो देह नक्की कौन कर रहा है ध्याता ही नक्की करता है डिसाइड किस आधार पे कर रहा था अहंकार के आधार पे अभी अहंकार पे आधार पे कर रहा है कि मैं मीनसो के सारा व्यवहार कर रहा हूँ ठीक है वो सारा व्यवहार करते समय भीतर जो ध्यान चल रहा है आर्थ ध्यान दो ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो क्या है तो वो ध्याता और ध्येय ये कुए उसका वो परिणाम है तो परिणाम जो है वो रिजल्ट में कोई मेहनत होती है इसलिए बताया कि अहंकार ध्याता में अहंकार ध्याता में अहंकार हो ध्याता में अहंकार होता है ध्येय नक्की करते उसमें भी अहंकार होता है लेकिन उसका उसके परिणाम रूप जो ध्यान खड़ा होता है उत्पन्न होता है उसमें अहंकार नहीं होता है ध्यान का कर्ता नहीं होता है ध्यान को कर्ता नहीं ध्यान में हाँ ध्यान में कर्ता नहीं ध्यान परिणाम है परिणाम करता पर नहीं होता है ध्यान ना परिणाम में अहंकार इसलिए आगे बता कि अहंकार जब दब जाता है अहंकार निर्मूल होता है मीन्स उसका उधर कोई रोल नहीं है तभी ध्यान प्रकट होता है तभी ध्यान खुला होता है तो साहब एक इसमें बोला ना दादा भगवान की अहंकार जब भी दबाए त्यारे ध्यान उत्पन्न थाए अहंकार का प्रकट रोल नहीं है उधर क्यों होता है ये जो ध्यान हुआ हाँ जी परिणाम हाँ पहले जो मेहनत की उसका भी ये परिणाम है रिजल्ट आया हाँ जो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो भी हुआ वो तो परिणाम स्वरूप हुआ ना रिजल्ट
नहीं, तो परिणाम रिजल्ट में आपकी स्वतंत्रता है? नहीं नहीं है। लेकिन आपके स्वतंत्रता कहाँ है? देखिए तो खड़ा हुआ परिणाम, उस परिणाम साथ, परिणाम के साथ बैठना या नहीं बैठना, उसके साथ स्वतंत्र हो। ध्यान रखो, रुद्र ध्यान के परिणाम भीतर प्रकट हुए, खुले हुए या हो गए आपको, लेकिन आप ज्ञान के सही समझ के साथ व्यवहार करके, उधर प्रतिक्रमण करके आप ओपिनियन उधर चेंज कर लेते हैं जल्दी के पक्ष में से, तो क्या हुआ? आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान में से उसका परिणाम किसमें हुआ? धर्म ध्यान में हुआ। धर्म ध्यान में आया। बात कर में आती है, समझ आ गया। अभी ये जो कन्वर्सन हुआ वहां अहंकार का रोल है? उधर अहंकार का रोल नहीं है? नहीं नहीं, अहंकार तो पहले किया उसका ये परिणाम है, पहले किया उसका परिणाम अभी आता है। ठीक है, अभी आप सही समझ के साथ उधर प्रतिग्रहण करके आप उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं। तो क्या हुआ था कि आपका प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा, मीन्स ये मन वचन का कि प्योरिटी इतनी होती जाएगी, अहंकार शुद्ध होता जाएगा। और अहंकार 100% शुद्ध हो गया तो वो ही शुद्ध आत्मा है। ठीक, अभी इम्प्योरिटी के साथ का है, अशुद्धि के साथ का है, अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध दर्शन है, इसलिए यहाँ बेड़ी पर बेड़ी आ जाती है, हाथ कड़ी आ जाती है। तो वहां अहंकार शुद्ध ज्ञान और शुद्ध अहंकार हो गया तो सारी बेड़ियों से मुक्त हो जाए, सारी सारी सारे बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएगा। करेक्ट। हाँ जी, दीपक गांधी ने कुछ और ढूंढा? हाँ जी, नहीं, नहीं, वो तो अच्छा, मुझे लगा इसके संदर्भ में कुछ निकाल। नहीं नहीं नहीं, उसके संदर्भ में नहीं है, जो मार्किंग के लिए। हाँ, वो अलग बराबर। बोलो बोलो, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ, मैंने क्लियर से। दीपक आनंद जी आप बोलो ना, कुछ बताना है आपको? हाँ जी बोलो। ये परिणाम में अहंकार होता नहीं है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, उसका कर्ता नहीं है। हाँ, कर्ता नहीं। हाँ, आप समझ गए? हाँ, कर्ता नहीं पछी। हाँ, परिणाम इसीलिए ध्यान के बारे में बताया ना कि वो परिणाम है, उस वो करना नहीं होता है। और जैसे बताया कि ध्याता, और जैसे ध्येय नक्की हो जाता है तो ध्यान शुरू हो ही जाता है, और इसीलिए हमें हमारा ध्येय नक्की हो जाए। मैं शुद्धात्मा हूँ, बोलो। उस डायरेक्शन में प्रगति शुरू हो गई, ध्येय नक्की हुआ, उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया हमारा। ध्येय यानी अपने को, ध्येय तो वही रहता है ना कि मोक्ष में जाने का, वो ध्येय आखिरी ध्येय रखेगा ना अपने, तो उसमें मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, वो तो रहेगा, वो ध्येय हो गया। हाँ जी, क्या ध्यान होगा? शुक्ल ध्यान होगा। शुक्ल ध्यान होगा। हाँ हाँ, इसीलिए जैसा जैसा ध्येय ऐसा ध्यान प्रकट होता है। बरोबर छे। हाँ, तो जब वो ध्येय था कि मैं गीता बहन ही हूँ, तो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ही होता था। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो शुक्ल ध्यान खड़ा हो गया, शुक्ल ध्यान का परिणाम आता है। शुक्ल ध्यान पर परिणाम ने दीपक आनंद जी, हाँ, ज्ञानी कृपा का फल है। हाँ, ज्ञानी कृपा का फल है। हाँ, बरोबर। इसीलिए तो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ, दृष्टि की कीमत ही यहाँ है ना। या हाँ, बरोबर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, सरस समझ गए। मीनेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अर्जुन भाई।
अनुभव ज्ञान सूत्र सूत्र नंबर 271 भगवान आ सूत्र कहे दादाजी ज्ञान लीधा पछी भूल वालू देखाशे खरु पण भूल स्वरूप देखाशे नहीं। तो वो समझना है ये क्या बता रहे हैं कि ज्ञान लेने के बाद भूल वाला दिखाई देगा आपको लेकिन भूल स्वरूप में नहीं दिखाई देगा। यार प्रकृति स्वभाव दिखाई देगा कि प्रकृति स्वभाव कैसे प्रकृति भूल वाली है। ये जो गलतियां हो जाती है वो पीछे जो प्रकृति भरी हुई थी उसके आधार पे ये सब हो रहा है। और जो घने गुनेगारी जो खड़ी की थी गुनेगारी जो खड़ी की थी वो पहले की है आज की नहीं है। समेत गलती देखने का राइट किधर है कि जहां हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं कोई भी वहां हमें गलती देखने का राइट है कि जब कर्म के बीज बोए थे तभी गलती थी। अभी आज तो कंपलसरी फल भोगना पड़ता है हमारी इच्छा है या नहीं है फिर भी वो फल हमें भोगना पड़ता है। तो हमारी कौन सी सत्ता चलती है ठीक है वहां हमारी सत्ता नहीं है वो कर्म फल के रूप में है इफेक्ट के रूप में है इसीलिए वहां उसे भूल स्वरूप नहीं दिखता है। ये भूल करने वाला ऐसा में नहीं दिखाई देता है। बात ख्याल में आ रही है भगवान ने भी एक जगह बताया था कि व्यक्ति में हमें दोष दिखते हैं लेकिन वो दूषित नहीं दिखता। तो प्रकृति गलती वाली है व्यक्ति का स्वभाव ऐसा नहीं है व्यक्ति गलती वाली नहीं है उसके पीछे की जो प्रकृति लेकर आए वो गलती वाली थी। और हम क्या देखते हैं कंचन भाई गलत है वो गलती करते हैं ये करते हैं वो करते हैं ऐसा हम देखते कि नहीं करते क्योंकि तो हमने क्या किया कि हमने कंचन भाई को सही मान लिया। बात ख्याल में आ रही है कंचन भाई गलती करने वाला नहीं है वो तो जब पहले प्रतिष्ठा की थी तभी गलती की थी आज तो परिणाम भुगत रहे तो परिणाम भुगत रहे वो तो कंपलसरी है फर्ज याद है तो फर्ज याद है हम किसकी गलती देख सकते हैं। तो ये दूषित का ऐसा हुआ ना कि वो हर बार गलती करेगा ऐसा ही हुआ ना या हमें क्या समझने का है कि सामने वाली व्यक्ति कुछ भी व्यवहार कर रही है सही गलत जो भी व्यवहार कर रही है वो मेरी पिछली गलती के कारण उसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता है कि वो अपनी मर्जी से करता है नहीं पिछली गलती से ठीक है गलती मेरी थी कि वो सामने वाले की थी मेरी थी मेरी थी अभी मेरी गलती के कारण सामने वाले को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है ऐसा व्यवहार करके सामने वाली व्यक्ति तो मुझे उपकार कर रहा है मेरे पर तो मुझे मेरी पिछली भारी गलतियों से भारी कर्म से मुझे छुड़ा रहा है छुड़वा रहा है जो हमें छुड़वा रहा है फ्री कर रहा है पिछली गलतियों से पिछले बोझे से भारीपना से बोझा हमारा हल्का कर रहा है वो तो हमें कितना उपकारी दिखना चाहिए 100% देखिए उधर हमें उपकारी दिखाई दे तो भूल स्वरूप नहीं दिखाई देगा। भूल स्वरूप नहीं दिखाई देगा मीन्स क्या आता है वो निर्दोष दिखाई देगा निमित्त के रूप में दिखाई देगा अच्छा के रूप में दिखाई देगा और जब इस तरह से दिखेगा तो फिर कोई गलतियां दिखेगी नहीं ना उसके सामने वाले की मैं दोषी हूँ। हाँ सारे इसलिए इसीलिए दादा भगवान का सेंटेंस है ना सगरी उपाधि नु मूल मुआ तुच्छ
बात समझ में आ रही है? समझ गया। मेरी पिछली समझ गलत थी, उसके कारण मुझे सारा व्यवहार भूल वाला गलती वाला दिखता है, लेकिन वो भूल स्वरूप भूल भूल कर रहा है, सामने वाला गलती कर रहा है, उस ढंग से हम नहीं देखेंगे उसे। बात कल में आ रही है? पीछे जो माल भरा हुआ था उसके कारण ये आज गलती हो रही है। तो पिछला जो अज्ञान था, वो अज्ञानता के कारण मुझे भूल वाला व्यवहार दिखता है सामने वाले का। तो सही मायने में देखो तो सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है वो फरजियात रूप में कर रहा है, कंपलसरी रूप में कर रहा है, उसकी मर्जी चलती नहीं है। हमें उस व्यवहार को भूल गलती वाला देखने का राइट है? नहीं नहीं है। तो राइट नहीं है इसलिए वो भूल स्वरूप दिखाई नहीं देगा, ज्ञान हाजिर रहेगा तो उधर आपके ज्ञान जागृति रहेगी, तो सामने वाली व्यक्ति गलती कर रही है कि गलत व्यवहार कर रहे है ऐसा नहीं लगेगा। आपकी समझ क्या रहेगी? ठीक है, ये तो मेरे पर उपकार कर रहा है, मुझे पिछले भारे के हिसाब से कर्म से छुड़ा रहा है, अपना बिगाड़ के मेरे पर इतना उपकार कर रहा है, ऐसा आदमी ढूंढने के लिए जाओ दिया लेके तो भी मिलेगा नहीं संसार में। या ये बात जितनी समझ में आएगी उतनी दृष्टि निर्दोष हो जाएगी। दूसरी तरह से ये बात समझो तो दादा भगवान ने क्या बताया कि हम हमारे ज्ञान में देखकर बोलते कि संसार में कोई जीव दोषी नहीं है। बात तो हमने सुनी है, कई बार पढ़ी भी है, लेकिन उसको समझने का कैसे है? यहाँ ये बात समझ में आएगी तभी। राइट, ये मर वचन क्या है? वो तो गलती करने वाले ही है, और वो भी क्यों कर रहे थे कि पीछे गलती की थी इसीलिए आज नई गलती नहीं कर रहे हैं। आज जो दिखाई देती है पांच इंद्रिय से दिखती है वो नई गलती नहीं है। ये गलती करते समय अगर भीतर में उस गलती का पक्ष ले रहा है या मैं पक्ष ले रहा हूं उसका, या मैं ज्ञान से मेरी गलती का रक्षण कर रहा हूं कि नहीं, ये तो मेरा डिस्चार्ज है, तो मेरी मर्जी चलती नहीं है, ऐसा करके मैं गलती का प्रोटेक्शन कर रहा हूं, तो वहां मैं नई जिम्मेदारी खड़ी कर रहा हूं, वहां रेड सिग्नल है। यहाँ ये ज्ञान हमें किसके लिए अप्लाई करने का है? सामने वाला जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उसके लिए अप्लाई करने का है। पालम में एक व्यवहार करती है, मीनस व्यवहार करते हैं, कंचन में व्यवहार करते हैं, तभी हमें ये बात अप्लाई नहीं करने की। तभी तो मीनस को कंचन भाई को बोलने का, भाई तू पीछे गलती करके आया था इसलिए गलती आज बाहर आई है, ये पहले बीज बोया था आपने कर्म का इसलिए आज कर्म का फल आया है, अभी ये बीज आपको पसंद नहीं आता है, गलती नहीं करनी है तो दोबारा ऐसा बीज मत बोना। रास्ता कितना आसान कर दिया, बस इतना समझ में आ गया तो निर्दोष दृष्टि हो जाएगी हमारी। और ये सारे वितरक मुक्त कैसे हुए संत ये समझ के साथ? तो वही समझ दादा हमें दे दिए। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद विनेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर हम सपने में रात को सपने आते हैं उसमें किसी को दुख दे तो क्या उसके भी प्रतिक्रमण करने पड़ते हैं? देखो मैंने जो दुख दिया
दुख देने के बाद आप उसके पक्ष में बैठे हैं, तो उसके पक्ष में नहीं बैठे? नहीं नहीं बैठे। अभी दुख दिया में इसके दुख कब देते हैं? बाहर व्यवहार में देते कि सपने में दिया? ये दुख देते कब है? ठीक है, पहले दुख देने की बीज बोई है तभी। हाँ। किसी को भी दुख देने का बीज बोया है तभी दुख होगा। बीज गलत बो दिया, वो हमारी गलती है कि नहीं है? हाँ, वो है। अभी दोबारा मुझे गलती का बीज नहीं बोना है, मुझे अभिप्राय गलती के पक्ष में से बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो बदलने की प्रोसेस क्या है? तो कि प्रतिक्रमण। बरोबर। बात ख्याल में? हाँ आई। यार ऐसा नहीं सोचने का भी है, तो नींद में हमने अपने हमें सपना है, इससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है, तो कोई भी चीज आई व्यवहार में भी सपने में भी आई तो अपने आप तो आई नहीं है। बरोबर है। पहले जो बीज बोए है, जो कुछ हमने किया है देखा है, वही सारी बातें आती है, नया है कुछ। ठीक है, अभी वो पिछली जिम्मेदारी हमें चालू नहीं रखनी है, इसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने सपने में एक कुत्ते को बहुत परेशान किया, बहुत यानी बहुत परेशान किया। मैं रियल लाइफ में तो कभी किसी कुत्ते को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा सपने में बहुत परेशान किया। और फिर मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मैं उससे डरती थी, ताकि मैं तो तभी मैंने उसको परेशान किया कि ताकि वो मुझे डराए नहीं, ताकि मैंने उसको खुद से डराने का मतलब, इसलिए मैंने उसको परेशान किया। देखो अभी आपके लिए बात क्या है? हाँ, कुत्ता रिलेटिव व्यू पॉइंट से। हाँ रिलेटिव। और रियल व्यू पॉइंट से क्या है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। अभी सबसे पहली गलती क्या की? देखिए भाई, आज्ञा हाजिर रही थी? नहीं। बराबर है। देखिए पहला प्रतिक्रमण क्या होना चाहिए? उधर हम आज्ञा चूक गए, उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। उपयोग रहा नहीं ना आज्ञा का। नहीं रहा। ठीक है, अभी उधर आज्ञा का प्रयोग रहता था तो आपका व्यवहार किस प्रकार का रहता था? तो जो जो निर्दयता दिखाई आपने, हाँ, वो निर्दयता आप करते थे? नहीं नहीं करते। कब करते थे? या उसके पक्ष में ही नहीं बैठते थे? हाँ। कभी अंदर से आपको ब्रेक लगती थी? हाँ, लगती। बात याद, हमारा अभिप्राय हमें बदलने का है गलती के पक्ष में से, इतना ख्याल में रखने का। जहां भी गलत व्यवहार हो गया, जहां भी किसी को दुख पहुंचा, भले नींद में भी दिया ना, अभी म्यूट आपकी आवाज कट हो रही थी, म्यूट हो गए। अपने में भी किसी को दुख दे दिया आपने, इसका ये तो नहीं है कि भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो तो समझ में आ गया। हाँ, वो जिम्मेदारी में से बाहर निकलने के लिए प्रतिक्रमण है। बरोबर। हाँ। पिछली जिम्मेदारी जो हमने ली थी, अभी वो जिम्मेदारी आगे बढ़ानी नहीं है, हमें नया अकाउंट खोलना नहीं है, नए बीज बोना नहीं है गलती के, इसलिए प्रतिक्रमण कर। बराबर। और ये, हाँ बराबर। और ये जो डर लगता है, जो डर है किसी भी प्रत्यय, किसी भी सिचुएशन हो, व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो, तो ये डर के पीछे ऐसा क्या काम करता है कि ताकि हमें डर लगता है? वो अहंकार का स्वरूप बड़ा हो ऐसा माना जाता है क्या? इसमें क्या है कि जाने अनजाने में हमने पीछे गलती की है, उसके आधार पर दुख रहता है। मतलब जितना डर ज्यादा लगे उतनी हमारी गलती ज्यादा होगी, मतलब पीछे की गलती के कारण लगता है। हाँ। सभी को कुत्ते का डर नहीं लगता है, लेकिन मान लो कि किसी को कुत्ते ने काटा है पहले, पहले तो 14 इंजेक्शन पेट में देते हैं, स्टमक में,
अभी ये जिस जिसको सहना पड़ा है उसके भीतर गलती क्या घुस जाएगी, कभी कुत्ते को दूर से ही नमस्कार करेगा, पास में जाएगा ही नहीं। हाँ बात ख्याल में आ रही है, हाँ आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से जाने अनजाने हमने जहाँ जहाँ गलतियां की है वहां हमें डर लगता है, फेल लगता है। सही है। मान लो कि मैंने इनकम टैक्स की चोरी की है तो इनकम टैक्स ऑफिस में मुझे जाने का कितना मन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे इनकम टैक्स का लेटर आएगा ना तो भी वो कॉल खोलते समय मेरे हाथ सेकल सेकल हो जाएंगे। हाँ। नहीं लगता है, भाई के कारण हाथ में ध्रुजारी आ जाती है। अंदर रिफंड है कि डिफंड नॉट है वो पता नहीं है, फिर भी असर हो जाती है। ये तो अब ये भाई ये भाई कैसा होता है, मैं दूसरे का एग्जांपल दूं आपको। मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर ये दो फॉर्म जाने का वो लेके आ जाना, बराबर है। उसकी जो फॉर्म शॉप होती है वो जो स्टेशनरी डिपार्टमेंट है उधर से फॉर्म लाने का है, उसमें कुछ भय लगा ऐसा कुछ है नहीं ना? ना नहीं है। और फिर भी वो पीछे जो भय पड़ा है उसके कारण क्या होता है? तो भाई साहब ने मुझे बोला कि भाई नहीं मैं लेने के लिए नहीं जाऊंगा, आपको लाना है तो लेके आना, मैं बाकी मैं जाने वाला नहीं। किस प्रकार के बहुत है, खाली फॉर्म लेने के लिए जाने का, इनकम टैक्स ऑफिस का तो मिलने का भी नहीं है, रिटर्न फाइल करने के लिए भी नहीं जाने का, किसी को देने के लिए खाली फॉर्म लेने के लिए जाना, वहां भी डर लगता है, ऑफिस में जाने से भी डर लगता है। हम अलग अलग प्रकार के जो गुनाह करके आए उसके कारण ये सारी भय की ग्रंथियां काम करती है। किसी को अंधेरे में जाने का होता है तो क्या होता है? हाँ, कई बार डर लगता है। आज जेंट्स को जाने का और लेडीज को जाने का दोनों में कितना अंतर होता है? बहुत। आपको बोले कि रात को 12 बजे शमशान में जाने का है, जाएंगे आप? नहीं नहीं जाएंगे। मैं शुद्धात्मा करके जाने का ना? हाँ वो है। जा सकेंगे ना? जा सकेंगे, अनुभव कर लेना फिर बताना नेक्स्ट टाइम। हाँ श्योर। तो ये भय से छूटने का लेके मत जाना। हाँ नहीं, भय से छूटने का यही तरीका है कि मैं शुद्धात्मा हूँ वैसा करके। नहीं, भय से छूटने का तरीका क्या है? तो भीतर बातचीत करनी पड़ती है अंतस्करण के साथ। तो ये भय किस लिए, ये भय किस लिए है? वो विनाशी चीज का भय रखते है कि अविनाशी का भय है? विनाशी का रखते है। अभी जो विनाशी है उसका भय रख के फायदा क्या होगा? बराबर। इस तरह से हमने बातचीत कभी की है? नहीं की है। अभी दूसरी तरह से समझो, हमारे हिस्सा में जितना है उतना ही सामने आएगा कि उससे ज्यादा आगे क्या कम हो सकता है? उतना ही आएगा, उसमें फिर भय रखने की जरूरत कहाँ है? जागृति रखने की है, अलर्ट रहने का है, उसकी मांग मना नहीं करता हूँ, लेकिन भय रखने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ने एग्जाम्पल नहीं दिया, उनको ज्ञान प्रकट हुआ उसके पहले की बात है, उसके 25-30 साल पहले की। उन्होंने क्या किया था, इनाम डिक्लेयर किया था कि दो चाटे लगाओ तो 500 रुपये का इनाम लेके जाओ। हम बोल सकते ना बात कि दो चार्टर लगा के 500 रुपये लेके जाओ? नहीं। क्यों? अच्छा 500 की वैल्यू नहीं इसलिए नहीं बोलते? नहीं। तो बोलना चाहे तो खुद को तकलीफ नहीं कभी दी है। अरे खुद को तकलीफ नहीं, वो तो भय लगता है। हाँ। दो चार्टर लगे वो तो पैसा लेके ही जाएगा, चार्टर तो मुझसे खाना पड़ा ऊपर से पैसे भी जाएंगे।
लेकिन दादा दादा भगवान को भय नहीं था, वो तो अपना खुद का टेस्टिंग भी कर रहे थे साथ में कि अभी कितना भय बाकी रहा वो पता चले, और सामने किसी का हिसाब है तो लेने के लिए आएगा ना कि अपने आप आ जाएगा बिना मेरे ठीक है। अभी दादा भगवान के एग्जांपल देकर हम बात कर सकते हैं ना कि आपको कौन सा भय है, क्यों आप डरते हैं, उधर आप अंधेरे में जाते हो जागृति रखो, मोबाइल है तो मोबाइल से लाइट करके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाइट नहीं है तो क्या करने का, अंधेरे में जाना ही पड़ेगा, जाने का है तो भय रख के जाएंगे नहीं, शुद्धात्मा हम ऐसे करके जाएंगे, उधर ब्लाइंड फेथ से ही जाते हैं, सांप नहीं आएगा पैर के नीचे कुछ नहीं आएगा ऐसा पक्का रख के ही चलते है ना। हाँ उधर ऐसा भय है कि वे सांप नीचे आ जाएगा काटेगा ये करेगा वो करेगा तो आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, जा पाएंगे नहीं, नहीं जा पाएंगे। यहाँ जो सारा भय है वो विनाशी चीजों का है, और विनाशी चीजों का भय किस आधार पर, देखो पीछे जो हमने गलतियां की थी उसके आधार पर ये भय खड़ा हुआ था। अभी अंदर भीतर बातचीत करके अंदर के साथ बातचीत करके वो सारे जो पजल है उसको सॉल्व किया तो कोई कोई कठिनाई रहेगी नहीं ना, तो भय निकल जाएगा ना। सही है, सही मायने में तो भय जो गलतियां करते हैं ना वहां लगना चाहिए, दूसरों को दुख दे रहे हैं हमारी खुद की गलतियों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, रोजमान मालों का रक्षण कर रहे हैं, भय लगना चाहिए कि वे बढ़ जाएंगे आगे, कर्म के बीज बोते हैं वहां भय लगना, वहां तो किसी को भय लगता ही नहीं है, वहां हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं। बात कल में आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन सही मायने में तो जागृत उधर रहने की जरूरत है, और जहां विनाशी है वो तो हमारे हिसाब में जितना लेकर है उतना ही सामने आने वाला है, तो उधर भी हम जागृति के साथ सारा व्यवहार करेंगे, जो भी आएगा चुकाने के लिए बैठे हिसाब चुकाने के लिए बैठे, फिर डरने का क्या। बराबर, दादा भगवान ने 500 रुपया दिया था किसी को, हाँ, और फिर मुंह दिखाता ही नहीं था, एक साल के बाद मिला वो तो दादा भगवान ने क्या बोला कि चलो भाई आज तो मेरी पुण्य बहुत अच्छी जग गई, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, अब मिले आपके पास अगर कन्वीनियंसी है सगवर हो गई आपके पास तो मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। तो भाई साहब ने क्या बोला कि भाई मैंने कब पैसे लिए थे, आप मेरे से लेकर गए थे और आपने वापिस लौटाया भी नहीं है, माजी बहुत पक्के थे, उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई आदमी कितना अच्छा है कि 500 रुपया ही मांग रहा है ना, तो 5000 रुपया मांगता तो अब तो हम तो खानदान है तो हमें 5000 रुपया देना पड़ता था उसको। बात समझ में आ रही है। हाँ। तो क्या बोला कि मेरा मेहता जी अकाउंटेंट है वो छुट्टी पे गया, 2 दिन के बाद आएगा, आप आके आपका जो भी हिसाब है करके जाना, तो अकाउंटेंट को समझा दिया कि वो आता है उसके बाद लिखवा देना कि भाई अभी लेना देना बाकी रहता नहीं है, सारा हिसाब हमारा चुकता हो गया है, तो दोबारा तो मांगने के लिए आएगा नहीं फिर, तो 500 पहले लेके गया 500 भी लेके गया, 1000 रुपए का नुकसान हुआ लेकिन हमें मुक्त करके गया कि नहीं। हाँ, मुक्त करके गया। कीमत हमें छुड़ाया उसकी है कि वो पैसा लेके गया उसकी कीमत है, छुड़ाया है उसकी करनी है, और हमें किसकी कीमत रहती है, वो पैसा लेके जाते हैं उसकी, मेरा पैसा गया उसकी कीमत रखते हैं। हमारा जो है वो कोई लेके जा ही नहीं सकता है, और जो हमारा नहीं है वो लाख मेहनत करेंगे फिर भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, तो भय क्यों रखने का फिर। बराबर, हाँ, अच्छे से समाधान हो गया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है।
आप त्रिमंत्र बुलाएं मिनेशान जी उर्वा आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव पणाशनो, सव पाव पणाशनो, मंगलानं च सव्येसिम, मंगलानं च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम इस तरह से है, कल सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 7:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और इसे हमें मौका मिलते 10 मिनट के अलगपन का सामायिक के साथ, दूसरी कलम जहां जहां चूक गए हैं उसका प्रतिक्रमण करेंगे, दिन भर जब जब समय मिलता है तो यही पुरुषार्थ दोहराएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, गीता बहन जय सच्चिदानंद, कांताबा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।